हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं डेडलॉक्स पर और अब नेक्स्ट टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिथम। इससे पहले हम डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक लगने की कौन कौन सी चार नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनको हैंडल करने के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो से फैमिलियर नहीं है तो क्लिक दैट पर्टिकुलर आई बटन और उस वीडियो को जाकर के देखिए, तब इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना आसान रहेगा। आइए समझ लेते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहती है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज टू अवॉइड द डेडलॉक, इट इज यूज टू अवॉइड द डेडलॉक, और इसलिए इसको डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम भी कहा जाता है। इसका कुछ सीन इस तरह से दिया होगा कि कुछ प्रोसेसेस दिए होंगे एंड देन एलोकेशन, दीज आर दी रिसोर्सेज। एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर कुछ प्रोसेसेस दिए गए होंगे, कुछ एलोकेशन दी गई होगी, जाहिर सी बात है ये रिसोर्सेज को शो कर रहा है, मैक्सिमम नीड्स दी गई होगी एंड देन अवेलेबिलिटी, एंड देन उसके हिसाब से हमको यहां पर बेसिकली कुछ सॉल्व करना है। अवॉइडेंस, बेसिकली जब भी हम बात करेंगे अवॉइडेंस की तो हम एक सेफ स्टेट देंगे। बेसिकली इससे हम ये पता लगाएंगे कि पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो डेडलॉक में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो किस सेफ सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो डेडलॉक में नहीं जाएगा। इस तरह से हम डेडलॉक को बेसिकली अवॉइड करेंगे। अब अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली पहले सिस्टम को बताएंगे, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम सिस्टम को बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, कितनी उनको हर रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम से उनको कितना अलॉटमेंट हो गया है, तो रिमेनिंग नीड्स निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर जैसे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती जाएगी हमारे पास, हम यहां पर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते जाएंगे और इस तरह से बेसिकली एक सेफ सिक्वेंस निकल करके आएगा कि अगर हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर में उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें तो हम डेडलॉक में नहीं जाएंगे या बेसिकली आपका सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहां पर चार प्रोसेस हैं, P0, P1, P2 एंड P3। मैक्सिमम नीड्स यहां पर तीन तरह के आप देख सकते हैं, EFG है ना, तीन तरह के हमारे पास यहां पर रिसोर्सेज दे रखे हैं। ओके, तीन तरह के रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिसमें कि मैक्सिमम नीड यानी प्रोसेस P0 ई टाइप के 4 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रखता है। ऐसे ही P0 F टाइप के 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रखता है। सिमिलरली P0 G टाइप के 1 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रखता है, यानी कुल मिलाकर के अगर इसको ये सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएं तो P0 अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नीड है। यानी अगर इसको ये तीनों के तीनों 4 E टाइप के, 3 F टाइप के और 1 G टाइप का मिल जाए तो P0 बेसिकली एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिमिलरली आप हर एक प्रोसेस के सामने देख सकते हैं कि यहां पर नीड को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, ये तो हो गई नीड। अब इस नीड के बेसिस पर एलोकेशन क्या हुआ है। जरूरी नहीं है कि जितनी नीड बेसिकली एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करे उतने सारे के सारे रिसोर्सेज उसको मिल ही जाएं, ऐसा हम पहले भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू देख चुके हैं। तो यहां पर एलोकेशन दिया गया है। एलोकेशन मतलब जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हर एक टाइप के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट किए जा चुके हैं। यहां पर हम समझते हैं एलोकेशन ऑफ ई टाइप ऑफ रिसोर्स 1 टू P0, F का अभी कोई भी रिसोर्स अलॉट नहीं हुआ है, G का 1 अलॉट हुआ है। तो अब आप देखिए इसकी रिक्वायरमेंट थी तो 4 की थी लेकिन इसको E टाइप का 1 मिला, इसकी F की 3 की रिक्वायरमेंट थी बट इसको अभी कोई भी नहीं मिला, ठीक है, और G का 1 रिक्वायरमेंट था, G का 1 रिसोर्स मिल गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि G का 1 का रिक्वायरमेंट था, G का 1 मिल गया तो उसको पूरा कर देगा। इसका एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब इसको अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो चाह रहा है वो सभी के सभी मिलेंगे। ओके, तो 1 के मिलने से कुछ नहीं होगा, इवन 2 के मिलने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 रिसोर्स भी अगर कम रह गया है तो बेसिकली P0 प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर आपको दिया रखा है अवेलेबल, यानी अब इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज ई टाइप के 3, एफ टाइप के 3 और जी टाइप का 0 रिसोर्सेज अभी एट प्रेजेंट सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग नीड एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का बेसिकली पर्पस यही है कि हमें एक सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। अगर किसी भी तरह से सेफ सीक्वेंस हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम ये कह देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये डेडलॉक में नहीं जाएगा। इस तरह से हम उस डेडलॉक को अवॉइड करेंगे क्योंकि हम यहां पर प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में चेंज करेंगे। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे। यहां पर हम हर एक प्रोसेस की रिमेनिंग नीड को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर रिमेनिंग नीड निकाल लेते हैं कि भाई जरूरत इतनी थी, मैक्सिमम इतना अलॉट हो गया, तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट और कितनी बची हुई है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी बची हुई है तो यहां पर हम देखें
तो जाहिर सी बात है आप इसको समझ सकते हैं, जितना चाहिए था जितना मिला तो उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या रिमेनिंग रह गया है, अभी कितना और अलॉट किया जाना है। तो आइए इसको समझते हैं। प्रोसेस P0 के लिए रिमेनिंग नीड E की कितनी होने वाली है, 4 चाहिए थे, 1 मिल गया, 3 नहीं मिले, ठीक है। सिमिलरली F के 3 चाहिए थे, 1 भी नहीं मिला, अभी 3 की 3 रिक्वायरमेंट बनी हुई है, ओके। सिमिलरली G का 1 चाहिए था, 1 मिल गया, यानी अब इसको G का कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह से करके हम इन सबको फिल कर लेते हैं। इसको फिल करने के बाद अब हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि जिसकी रिमेनिंग नीड हमारे अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज से कम होगी या बराबर होगी, वो वाला प्रोसेस बेसिकली सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। क्या हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? देखिए P0 को अभी जो रिक्वायरमेंट है 330 की, और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो भी 330 हैं। ये तो पहली बारी में ही मैच हो गया, मतलब ई के 3 हमारे पास, इसको ई के 3 चाहिए, 3 अवेलेबल हैं। एफ के 3 चाहिए, एफ के 3 अवेलेबल हैं। जी का 1 भी नहीं चाहिए, जी का 1 भी अवेलेबल नहीं है, यानी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली P0 के लिए मैच कर रही है। तो इसका मतलब सबसे पहले सेफ सीक्वेंस में, हम यहां पर सेफ सीक्वेंस लिख रहे हैं, सेफ सीक्वेंस में सबसे पहले P0 एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी ये फर्स्ट नंबर पर एग्जीक्यूट किया गया। जब ये एग्जीक्यूट किया गया तो आप याद करिए, हमने जब सिस्टम मॉडल पढ़ा था तो उसमें थर्ड जो कैटेगरी थी वो ये थी कि जब एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद अपने द्वारा ऑक्यूपाइड किए गए सारे के सारे रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। तो इसने कितने ऑक्यूपाई कर रखे थे ऑलरेडी, एलोकेशन कितनी थी इसकी, 101 की, ठीक है। तो ये 101 यानी ई टाइप का 1, एफ टाइप का 0, जी टाइप का 1, ये रिसोर्सेज अब रिलीज कर दिए गए। और जब ये रिलीज हो गए तो ये कहां जाएंगे, जाहिर सी बात है ये अब अवेलेबल हो जाएंगे किसी दूसरे प्रोसेसेस के लिए, ताकि वो इसको लेकर के अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाए। तो यानी जब ये वाले एलोकेटेड रिसोर्सेज जब रिलीज हो गए तो जाहिर सी बात है ई से 1 रिलीज हो गया, तो अब ई बेसिकली कितने हो जाएंगे, 4, यानी ये इसमें ऐड हो गया। एफ का 1 भी रिलीज नहीं हुआ तो एफ की जो गिनती है वो एज इट इज बनी रहेगी। जी जब यहां पर रिलीज हो गया 1, तो अब जी का 1 अवेलेबल हो गया, ओके। तो दिस इज द अपडेटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है। अब बाकी बचे हुए जितने भी प्रोसेस हैं उसको मैच किया जाएगा इससे, ना कि इससे, क्योंकि अब ये अपडेटेड हो गया, क्योंकि P0 एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल गया, तो इसके रिसोर्सेज जो है रिलीज हो गए। जब रिलीज हो गए तो नाउ दे आर अवेलेबल, तो वो पहली वाली अवेलेबिलिटी में एड हो गए। अब आइए देखते हैं कि कौन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम किस प्रोसेस को। तो जाहिर सी बात है अब आप देखिए इसको, P1 की बात करते हैं। P1 को E का 1 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 4 पड़े हुए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। F का 1 भी नहीं चाहिए, हमारे पास 3 पड़े हुए हैं, ओके। G के 2 चाहिए बट G का 1 ही है। मैंने फिर बात करता हूं, एक भी रिसोर्स अगर कम रह जाएगा तो वो प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। भले ही आप दो रिसोर्सेज को पूरी तरह से पा रहे हैं या उससे कम रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, लेकिन अगर एक भी रिसोर्सेज अगर आपका किसी भी पॉइंट पर कम रह गया है तो आप उसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अभी P1 तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, P2 को देखते हैं। P2 को E का 0 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 4 अवेलेबल हैं। F के 3 चाहिए, हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। G के 1 भी नहीं चाहिए, हमारे पास 1 अवेलेबल है। इसका मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर P2 को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी अब सेकंड नंबर पर P2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट किया गया तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड जितने भी रिसोर्सेज थे वो रिलीज कर दिए गए। एक रिलीज किया गया ई टाइप का, तो अब ई टाइप की हो गए 5। एफ टाइप का कुछ भी रिलीज नहीं हुआ तो एफ की गिनती वही बनी हुई है। और जी टाइप के 3 रिलीज कर दिए गए, 3 रिसोर्सेज रिलीज कर दिए गए जी टाइप के, तो अब ये बन गए 4, ठीक है। अब आप यहां पर ये सोच सकते हैं कि अब बेसिकली जी की अवेलेबिलिटी पूरी होगी तो हम इसको अब एग्जीक्यूट कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इस फैशन में चलेगा, फिर बाद में दोबारा लौट करके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखने का नंबर इसका है, हम यहां पर बेसिकली ऑर्डर लगा रहे हैं, FCFS लगा रहे हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कि क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या। देखते हैं, P3 को E के 3 रिसोर्सेज चाहिए थे, हमारे पास 5 है। F के 4 रिसोर्सेज चाहिए थे, हमारे पास 3 है। सिस्टम के पास 3 है, इसका मतलब ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो चांस दिया जाएगा फिर से उस प्रोसेस को जो कि ऊपर से देखना शुरू करेंगे जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है यानी सेफ सीक्वेंस में नहीं है। तो अब हमें मिला P1 को हमें मिला तो P1 को देखते हैं कि क्या अब ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो इस अवेलेबिलिटी से सेटिस्फाई की जा रही है। देखते हैं, 1 चाहिए था, 5 अवेलेबल है, ओके। कुछ भी नहीं चाहिए था बट हमारे पास 3 है, 2 चाहिए थे अब हमारे पास 4 है। नाउ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड, दैट रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड। तो यानी अब थर्ड नंबर पर बेसिकली P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेफ सीक्वेंस में हमने इसको ऐड कर दिया यानी ये एग्जीक्यूट कर दिया गया। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड जितने भी रिसोर्सेज थे वो रिलीज कर दिए गए। जब रिलीज हुआ तो ई टाइप का एक रिसोर्स रिलीज हुआ, नाउ दिस इज 6। एफ टाइप का एक रिसोर्स रिलीज हुआ, नाउ इट इज 4। जी टाइप के 2 रिसोर्सेज रिलीज हो गए, नाउ इट इज 6। अब जो करंट अवेलेबिलिटी है दैट इज 6, 4, 6, ओके। अब केवल एक ही प्रोसेस बचा है, देख लेते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट मैच हो पा रही है क्या इस अवेलेबिलिटी से। ई टाइप के 3 चाहिए थे, हमारे पास 6 हैं। एफ टाइप के 4 चाहिए थे, सिस्टम के पास 4 हैं, 4 चाहिए थे, 4 ही हैं। जी को 1 चाहिए था, हमारे पास 6 हैं। मतलब मोर देन एनफ अवेलेबिलिटी वी आर हैविंग, ओके। तो इट इज इजीली प्रोसेस और ये फोर्थ नंबर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा यानी सेफ सिक्वेंस में इसको देखा जाए तो P3 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ। और जब एग्जीक्यूट हो गया तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड जितने भी रिसोर्सेज थे वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ई टाइप का ही केवल 2 रिसोर्सेज एलोकेट थे, एफ और जी के तो थे ही नहीं। तो ये हो जाएगा 8, 4, 6, ठीक है, 8, 4, 6। तो यानी हम आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं प्रोसेसेस और ये एक सेफ सीक्वेंस निकल करके आया है, ठीक है, सेफ सीक्वेंस निकल करके आया है। आइए बताते हैं कि आपका ये आंसर किस तरह से मैच होगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं किया। फाइनली देख सकते हैं कि जब सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अब सारे के सारे रिसोर्सेज भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए पेंडिंग नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम ई के हो सकते थे उतने यहां पर अवेलेबल दिखेंगे आपको। एफ के जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने यहां पर दिखने लगेंगे, जी के जितने हो सकते थे वो यहां पर दिखने लगेंगे। तो ये जो नंबर है इसको आप मैच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ही आपको स्टार्टिंग में ही कुछ दिया रहेगा, क्या, द टोटल नंबर ऑफ द रिसोर्सेस, द टोटल नंबर ऑफ द रिसोर्सेस ई के लिए 8 हैं, एफ के लिए 4 हैं और जी के लिए 6 हैं। ये आपको क्वेश्चन में शुरू में ही दिया रहेगा। तो अगर आप फाइनली इस पर्टिकुलर फिगर पर पहुंच पाते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में दी गई है, जो कि बता रहा है कि ई के मैक्सिमम 8 रिसोर्सेज हैं, एफ के 4 हैं और जी के 6 हैं, तो आप इसको इजीली मैच कर सकते हैं कि क्या ये आपका जो सेफ सीक्वेंस है वो सही आया नहीं आया। और इसका मतलब अगर आपका मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपने सारे के सारे प्रोसेसेस को सही से एग्जीक्यूट कर दिया है। एक एग्जांपल और लेते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम का, ताकि आपको यह टॉपिक पूरी तरह से एक ही बार में क्लियर हो जाए। हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, यहां पर हमने 5 प्रोसेसेस लिए हैं, P0 से लेकर के P4 तक। एलोकेशन दिया गया है, मैक्सिमम नीड दी गई है। अब यहां पर रिसोर्सेस के नाम चेंज हो गए, रिसोर्सेस के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ABCDEFGH XYZ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन ABC आर दी रिसोर्सेज। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये दे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए टाइप आर 10, बी 5 है एंड सी 7 है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द इंस्टेंसेज या टोटल नंबर ऑफ द रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अभी आप देख सकते हैं यहां पर अवेलेबिलिटी वाला कॉलम खाली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां पर हमें वैल्यू दी गई थी जिसके बेसिस पर हमने यहां पर स्टार्ट कर दिया था काम करना, ठीक है। बट अभी यहां पर कुछ नहीं दिया गया, तो आप सोच सकते हैं यहां पर अवेलेबल कौन से रिसोर्सेज होंगे। जाहिर सी बात है जो अब एलोकेट अभी तक एलोकेट नहीं हुए हैं वही यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द रिसोर्सेज एबीसी टाइप के जितने भी रिसोर्सेज हमको दिए गए हैं टोटल, उसमें से माइनस कर देंगे जितने की एलोकेट हो गए हैं, ठीक है। जब हम एलोकेशन को माइनस कर देंगे टोटल नंबर में से तो हम अवेलेबिलिटी को इजीली पता लगा पाएंगे। तो आइए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम ए टाइप के टोटल रिसोर्सेज देख लेते हैं जो कि अलॉट हो चुके हैं, 2, 3, 5, 7 रिसोर्सेज ऑफ ए टाइप आर अलॉटेड। बी का 1, 2 रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं और सी को देखें तो दिस इज 5, ओके। तो कुल मिलाकर के ए के 7, बी के 2 एंड सी के 5 रिसोर्सेज एलोकेट ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना है, ए के 10, बी के 5 और सी के 7। तो इसके बेसिस पर हम इसको माइनस कर लेते हैं इससे ताकि हम अवेलेबिलिटी निकाल पाए। तो सी टाइप के बेसिकली हमारे पास 2
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बी के हमारे पास तीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और ए के हमारे पास तीन अवेलेबल हैं। तो इस तरह से करके हम अवेलेबिलिटी को निकाल पाएंगे। अब ये वाले जो फिगर है ये उठा करके यहां पर रख दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपका पहले जैसा ही बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले जैसा ही बन गया। तो हो सकता है कि यहां पर अवेलेबिलिटी ना दी गई हो, तो उस केस में आपको ये टोटल नंबर ऑफ दी रिसोर्सेज जरूर दिए गए होंगे, ठीक है। तो आप अब इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब भी हम यहां पर इसको क्वेश्चन को फिनिश करेंगे तो जो फाइनली हमारे पास रिसोर्सेज रिलीज होने के बाद टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इस नंबर से मैच होने चाहिए, ठीक है। आइए इसको समझ लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम यहां पर पहले रिमेनिंग नीड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पी जीरो की रिमेनिंग नीड कितनी है। उसको चाहिए थे सात, मिला जीरो, तो यानी ए टाइप के अभी भी उसको सेवन चाहिए। बी टाइप के चाहिए थे पांच, मिला एक, तो चार। सी टाइप के चाहिए थे तीन, मिले जीरो, तो अभी भी तीन की रिक्वायरमेंट बनी हुई है, ठीक है। ऐसे करके हम सारे के सारे चारों के चारों के भर लेते हैं पूरे। हमने यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है कि इसकी रिमेनिंग नीड कितनी है। सभी के सभी प्रोसेसेस की रिमेनिंग नीड निकाल ली है। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी है। अब इसको देखते हैं कि ये कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या ये पहले वाले प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है पी जीरो की। जी नहीं, क्योंकि इसको ए के सेवन रिसोर्सेज चाहिए जबकि हमारे पास थ्री है, सिस्टम के पास थ्री ही है। आगे चलते हैं प्रोसेस नंबर पी वन को देखते हैं। ए का एक रिसोर्स चाहिए, हमारे पास तीन है, ठीक है। बी के दो चाहिए, हमारे पास तीन है, ठीक है। सी के दो चाहिए, हमारे पास दो है। यानी ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है इसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सूटेबल फाइंड आउट हुआ। इसका मतलब ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ फर्स्ट नंबर पे। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं सेफ सीक्वेंस में कि क्या सेफ सीक्वेंस आ रहा है। सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ पी वन, ओके। तो जब पी वन एग्जीक्यूट हुआ तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड जितने भी रिसोर्सेज थे वो रिलीज हो गए। केवल ए टाइप के ऑक्यूपाइड किए हुए थे इसने दो रिसोर्स, बी और सी का तो जीरो जीरो थे। तो यहां पर हो जाएगा पांच, तीन और दो, ये ऐसे के ऐसे ही रहे, ठीक है। अब आगे आने वाले के लिए ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं प्रोसेस नंबर पी टू पर। आप यहीं पर देख सकते हैं हालांकि इसको बी और सी का कोई भी इंस्टेंस नहीं चाहिए, कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए, लेकिन ए के छह चाहिए और हमारे पास ए के पांच है, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आगे देखेंगे इसको, देख लेते हैं। इसके लिए यहां पर देखिए ए के चाहिए दो, हमारे पास पांच है। बी का चाहिए एक, वी आर हैविंग थ्री, एंड सी के हमारे पास चाहिए एक, हमारे पास है दो। यानी मोर देन एनफ अवेलेबिलिटी वी आर हैविंग, ओके। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड, एंड देन सेकंड नंबर पर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और सेफ सीक्वेंस में हम इसको डाल देंगे कि पी थ्री नाम का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हुआ। और जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिलीज हो गए। दो रिसोर्सेज रिलीज हुए ए टाइप के, तो ये हो गया सेवन। एक रिलीज हुआ बी टाइप का, तो ये हो गया फोर। एक रिलीज हुआ सी टाइप का, तो ये हो गया थ्री, ओके। अब आ जाते हैं आगे। अब देखते हैं कि क्या इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं क्या। पांच चाहिए थे ए टाइप के, सेवन है। तीन चाहिए थे बी टाइप के, चार है। और एक चाहिए था सी टाइप का, तीन है। यानी अभी भी रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो रही है, मोर देन एनफ वी आर हैविंग। तो अब थर्ड नंबर पर बेसिकली इस सबसे लास्ट वाले प्रोसेस को यानी पी फोर को एंटरटेन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा 002। तो 00 का मतलब ये इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो रिसोर्सेज सी टाइप के रिलीज हुए, तो इसकी गिनती हो गई अब पांच, ठीक है। इसके बाद सिस्टम फिर वापस लौटेगा और फिर पहले प्रोसेस से देखना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या ये इसकी रिक्वायरमेंट को मैचअप कर पा रहा है क्या। सेवन चाहिए थे ए टाइप के, सेवन हमारे पास है। फोर चाहिए थे बी टाइप के, फोर हमारे पास है। तीन चाहिए थे सी टाइप के, हमारे पास पांच है। यानी दिस टाइम वी आर मैचिंग द रिक्वायरमेंट, ओके। दिस टाइम वी आर मैचिंग द रिक्वायरमेंट, सो हेंस नाउ पी जीरो विल बी एग्जीक्यूटेड एट फोर्थ नंबर। एट फोर्थ नंबर पी जीरो विल बी एग्जीक्यूटेड। और जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसके ज्यादा ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिलीज होंगे 010, तो यानी 755, ओके। फाइनली अब हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा है एग्जीक्यूट होने के लिए, जिसको कि बी और सी में तो कोई भी रिसोर्स नहीं चाहिए, ए के छह चाहिए थे, हमारे पास अब सेवन अवेलेबल हो गए। यानी अब हम इसकी रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। नाउ फिफ्थ नंबर पर सबसे लास्ट में ये वाला प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हुआ और इसने अपने द्वारा ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया। तो 302 मतलब 10, 5 एंड 7, ये फाइनली हमारे पास आ गए, ठीक है। आप इस फिगर को मैच करिए इन अवेलेबल मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ जो कि आपको शुरुआत में दिए गए थे। अगर ऐसा आ रहा है और आप एक सेफ सीक्वेंस में, माफ कीजिएगा मैं यहां पर P3 को 2 को लिखना भूल गया, तो दिस इज द सेफ सीक्वेंस,
ओके, तो दिस इज द सेफ सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। सारे के सारे रिसोर्सेज रिलीज हो गए हैं हमारे पास, यहां पर आ गए हैं, और इस तरह से हमने इस पूरे का पूरे सिस्टम को डेडलॉक में जाने से बचा लिया बाय ऑल्टरिंग द सीक्वेंस ऑफ बाय मॉडिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। तो इस तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम काम करती है। मैं यहां पर आपको अगर बता दूं कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी मिलती है कि जहां पर अब एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए P4 के बाद P0 या P2 में ऐसी कुछ कंडीशन फंस जाती, इनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते और उतनी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कि हाँ ये सिस्टम बेसिकली डेडलॉक में चला गया, ठीक है। तो अगर आप सेफ सीक्वेंस को नहीं पा रहे तो बेसिकली वहां पर डेडलॉक अकर होगा, ठीक है। यहां पर आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये भी पूछा जा सकता है कि इनका सेफ सीक्वेंस का ऑर्डर दे दिया, चार ऑप्शन दे सकते हैं, एक सीक्वेंस ये दे दिया और बाकी तीन और गड़बड़ करके दे दिए, या ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, या थर्ड नंबर के प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की क्या स्थिति थी। एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। अगर आपने पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए किसी भी तरह के क्वेश्चन का जवाब देना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। आई होप कि आपको बैंकर्स एल्गोरिथम पूरी तरह से क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच।